हेलो, आज हम अपने हिंदी पुस्तक का हिंदी ग्रामर पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है भाषा और हमारे हिंदी पुस्तक का नाम है व्याकरण निधि भाग 5 मतलब क्लास 5। हम पढ़ेंगे भाषा जिसको कहते हैं लैंग्वेज। अब क्या होता है भाषा, क्या होता है अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करना और दूसरे के विचारों को समझने को के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा होता है अपने विचारों को प्रकट करने का साधन और दूसरे के विचारों को समझने का साधन को भाषा कहते हैं। और हम भाषा को ये भी कह सकते हैं दूसरे की बात को लिखकर बोलकर सुनकर या पढ़कर समझना को भाषा कहते हैं, ठीक है, इसको भी भाषा कहते हैं। हम भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, ठीक है, मौखिक भाषा लिखित भाषा। मौखिक भाषा होता है सुनना और बोलना, मौखिक भाषा होता है सुनना और बोलना, ठीक है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी वाले बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और अगला होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा होता है लिखना और पढ़ना। लिखित भाषा जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो वो लिखित भाषा हुआ, क्योंकि मैं किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ तो वो लिखित भाषा हुआ। लिखित भाषा के उदाहरण है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र आदि। और मौखिक भाषा के टीवी में समाचार वाचन, भाषण, कहानी, कथन आदि, ये सब वो होता है भाषा। और हम संसार में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है और हमारे संविधान ने, इंडिया के संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, मतलब 22 भाषाओं को ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। और इनमें से सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा होती है हिंदी, ठीक है। अब हम बस छोटा सा चैप्टर है, अब नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हेडिंग है लिपि। एक ऐसा समय था जब अपनी बातों को दूसरे तक केवल बोलकर या इशारों द्वारा ही पहुंचा सकते थे, मतलब एक ऐसा समय था जब हम बोलकर और इशारों से ही अपनी भाषा विचारों को समझा सकते थे। तब विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं थी, मतलब तब विज्ञान में इतनी खोजें और विज्ञान इतना आगे नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुँचाने के लिए वाले वाले युग को सुरक्षित रखना होगा, मतलब हमें अपना ज्ञान आने वाले युग के लिए सुरक्षित रखना होगा। अब हम बोल के और सुन के तो नहीं सुरक्षित रख सके, हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, लिख के, ठीक है। इस काम के लिए लिखना ज़रूरी था और लिखने के लिए कुछ चिन्हों का जरूरत था, इन चिन्हों को लिपि का नाम दिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, मतलब हर भाषा को लिखने का कुछ ढंग होते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। और लिपि को हम ये भी कहते हैं भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मैं आपको 2-3 लिपियाँ बताता हूँ। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी और संस्कृत की भी देवनागरी होती है और गुजराती की भी देवनागरी होती है, ठीक है। इंग्लिश की होती है रोमन और पंजाबी की होती है गुरुमुखी और उर्दू की फारसी और तमिल भाषा की लिपि को तमिल ही कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इस लिपि के लिखने वाले चिन्हों को जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ही है। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसको हम कहते हैं वर्ण, उसको क्या कहते हैं वर्ण। इन वर्णों को हिंदी से अनगिनत शब्द बन सकते हैं, इन वर्णों की मदद से ही हम हिंदी के अनगिनत शब्दों को बना सकते हैं। हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए इन सभी वर्णों को हम सीख चुके हैं, हम हिंदी भाषा के सारे वर्णों को सीख चुके हैं। एक बार फिर से हम स्वरों और व्यंजनों को क्रम में लिखकर सभी वर्ण दोहराते हैं।
अब हम पहले ही हम वन को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम विन को रिवाइज करेंगे। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। आप एक चार्ट देख ही सकते हो, ये इस क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कि कहा पहले हा फिर द ऐसे, इसी ऑर्डर को हम वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह भाषा के वर्ण होते हैं उसी तरह दूसरी भाषाओं की भी वर्ण होते हैं, और हर भाषा के अपनी लिपि भी होती है। मैं आपको बताया तो ये सारी लिपियाँ। अब आज का चैप्टर ये ख़त्म हो गया। मैं आपको इसके फ़ोटोज़ भेज दूँगा, आप इसको एक बार पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।